सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पुराने पोल के साथ में। आज यहाँ पे सवाल था जियो फोन को लेके और यहाँ पे सवाल था कि क्या आप जियो फोन नेक्स्ट में भी इंटरेस्टेड है या नहीं। आप जो बोला है 15% ने सिर्फ कि आप हैं एक्साइटेड, आप हैं इंटरेस्टेड, ऐसे बाकी बोलते 85% नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे दोस्तों ऐसे में आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा कितनी बार होता है यार कि आप जो है वो अपने अकाउंट्स वगैरह के पासवर्ड्स भूल जाते हैं, फिर आपको अलग अलग पासवर्ड अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और फाइनली आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ता है। बताना जरूर कि आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। अब दोस्तों बात करते हैं पहले वीडियो को लेकर निकल के आता है एयरटेल को लेकर। जहाँ पे यार एयरटेल ने ना मतलब क्वार्टर टू में टोटल अभी कुछ 8.1 मिलियन 4G यूजर्स को ऐड किया है और यहाँ पर दोस्तों डेटा यूजेज है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो एयरटेल ने अभी अपना पोस्ट किया है। तो मतलब काफ़ी सही सीन चल रहा है एयरटेल और जियो का। बाकी जो है वोडाफोन आइडिया और ऐसे में हमारा BSNL वो थोड़ा सा अभी हालत थोड़ी सी टाइट सी चल रही है। फ्यूचर में से देखते हैं एयरटेल वगैरह कैसे आके और एक्सीड कर पाता है हमारे पास में। अभी अमेजोन जो है ना वो 2022 में दोस्तों पहली दो इंटरनेट सेटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है और ऐसे में टोटल जो दोस्तों सेटेलाइट्स वो होंगी 3236। पूरा एक जाल बुन लिया जाएगा और उसके बाद में सैटेलाइट से हमको इंटरनेट मिलेगा। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्टारलिंक की, वैसे ही अमेजोन भी अपना ये काम करने वाला है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पे अभी BGMI का जो अभी अपडेट है ना उसमें और हमको दोस्तों रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं ड्यून थीम्ड, मतलब काफ़ी सही अपडेट था। अगर आप जो है वो BGMI खेलते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये आपके लिए काफ़ी कमाल गुड न्यूज़ हो सकती है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पे अभी सैमसंग जो है ना वो एक जीन्स लेके आया है गैलेक्सी Z Flip 3 के लिए, उसमें एक पॉकेट है, बाकी उसमें सारी पॉकेट्स को बंद कर दिया गया है, कुछ को निकाल दिया गया है, उसमें कोई पॉकेट है ही नहीं। और यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 450 पीसीज होंगे जो इस दोस्तों जीन्स के बनाए जाएंगे और जो कीमत है वो है $1499, जहाँ पे आपको फ़ोन जो है गैलेक्सी Z Flip 3 वो फ्री मिलने वाला है। तो अगली जो जीन्स है वो आपको जो है वो काफ़ी एक सही डॉक्टर डेनिम की तरफ से आती है, तो यार मतलब काफ़ी ऐसे प्रीमियम जीन्स है और अगेन एक जेब है उस फ़ोन के लिए, काफ़ी ऐसा कूल सा कॉन्सेप्ट है सैमसंग का वैसे देखा जाए तो। और जो फ़ोन है वो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ेदार सा है हमारे पास में दोस्तों। यहाँ पे अभी एप्पल जो है उसमें फ्यूचर में एक क्रैश डिटेक्शन का फीचर आ सकता है, रिपोर्ट से ऐसे मालूम चला है। तो अगर आप एक गाड़ी में है, अगर आपके इसमें आईफोन और अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ऐसे में सीधा क्रैश डिटेक्शन को रिपोर्ट कर दिया जाएगा और ये कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग फीचर हो सकता है हमारे पास में। अभी Asus Zenfone 8 की तरफ से अपडेट ये है कि यार ये ब्राज़ील पहुंच गया है, 4 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, लेकिन इंडिया में यार कोई फिलहाल दूर दूर तक अपडेट है ही नहीं कि यार टीम Asus क्या कर रही है, कैसे इस फोन को लॉन्च करने वाली है, नो व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोना बी लाइक। अभी के लिए देयर इज जीरो अपडेट्स, लेट्स सी। वैसे उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इंडिया में भी Zenfone 8 को Asus लॉन्च करेगा। यहां पे अभी वैसे पोको जो है वो लॉन्च करने वाला है दोस्तों अपना पोको M4 Pro 5G और यहां पे अभी टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि इसमें होगा 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर, 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग वगैरह। तो अभी ऐसे में देखते हैं कि ये फोन अपने साथ में और क्या क्या फीचर्स लेके आता है, कौन सा रीब्रांडेड फोन होता है या नया होता है कुछ है, मतलब क्या रहती है बेसिकली इसी पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन की पूरी कहानी हमारे पास में। अभी यहां पे सैमसंग अपनी एक बिस्पोक ग्रैंड AI ड्रायर लेके आ गया है जहां पे दोस्तों 20 किलो की कैपेसिटी है और अगेन आप इसको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग कलर्स वगैरह जैसे आपको अपने इंटीरियर में फिट होता हो। तो ये एक नया AI वाला ड्रायर आ गया है सैमसंग की तरफ से। अभी यहां पे दोस्तों क्रोमबुक्स की जो सेल है ना, जो शिपमेंट्स हैं वो पेंडेमिक के बाद से पहली बार वो डिक्लाइन पे आए हैं दोस्तों। IDC के हिसाब से टैबलेट और क्रोमबुक्स दोनों जो है वो अब जाकर डिक्लाइन पे आए, वरना अभी तक बहुत ज्यादा डिमांड में थे और एकदम उनकी जो सेल्स थी वो बड़ी बढ़ रही थी। यहां पे अभी वैसे OnePlus, Oppo, Poco, Realme, Vivo जो है दोस्तों ये सभी के सभी इंडिया में ट्रेडमार्क्स अपना फाइल का भी जो है वो बात कर ही रहे हैं। आप जानती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कार्स वगैरह बहुत सारी चीजें सभी जो दोस्तों ब्रांड्स हैं इनकी तरफ से हमको शायद देखने को मिलेंगी
और फिर अभी देखते हैं मार्केट में क्या रहता है फ्यूचर इन सभी चीज़ों को लेके। अभी यहाँ पे iOS 15.1 में यार कुछ आईफोन यूजर्स के लिए जो है वो इंटरफेस उनका अनरिस्पॉन्सिव बन गया है, और यहाँ पे दोस्तों दो उसमें 0 डे अवेलेबिलिटीज़ भी हैं। तो आई मीन अभी जो अपडेट्स हैं नए नए, उम्मीद करते हैं कि एप्पल यार जल्दी से इनको फिक्स कर ले, वरना सिक्योरिटी को लेकर शायद कुछ थोड़ा बहुत इशू निकल के ना आ जाए कहीं पे। वैसे अभी यहाँ पे रेडमी K40S जो है ना वो कैंसिल कर दिया है शाओमी ने, और अभी यहाँ पे सीधा सीधा जो K50 सीरीज है उस पर काम चल रहा है। अगेन K50, K50 प्रो और K50 प्रो प्लस, तीन तीन ये फोन होने वाले हैं। देखते हैं क्या फीचर्स किस कीमत के साथ में ये फाइनली लेके आते हैं हमारे पास में। दोस्तों यहाँ पे अभी मैकबुक जो है उसमें बैटरी लाइफ चलिए टोटल जो है वो है 99.6 वॉट आवर्स की 16 इंच वाले मैकबुक प्रो में, और ये दोस्तों टेक्निकली लिमिट है, बिकॉज अगर आप 100 वॉट आवर के ऊपर जाते हो तो आप फ्लाइट में लैपटॉप कैरी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में ये एकदम बिल्कुल नो कैपेसिटी पे एप्पल लेके आ चुका है इस बैटरी को। और अगेन यहाँ पे जो रिपीबिलिटी वगैरह है वो भी दोस्तों खोल के पूरा चेक कर लिया आई फिक्स इट ने कि कैसे इस मैकबुक प्रो जो अभी नए वाले मॉडल्स हैं उनको रिपेयर कितना आसान या मुश्किल होगा करने के लिए। हमारे पास में यहाँ पे अभी व्हाट्सएप का जो डिलीट फॉर एवरीवन है दोस्तों, उसमें शायद अभी आपको इनडेफिनेट टाइम लिमिट मिल सकता है, तो आप पुराने पुराने वाले मैसेजेस को भी बाद में भी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो। और इसके अलावा एक iOS के लिए नया वीडियो इंटरफेस भी स्पॉट किया गया है। व्हाट्सएप है अपने बीटा में तरह तरह के ऐसे अपडेट्स खैर देता रहता है। हमारे पास में यहाँ पे अभी वेल की जो लैंग्वेज है उसको AI डिकोड कर सकता है, पता है आपको, मतलब जल्दी से दोस्तों कर पाएगा AI डिकोड, और ऐसे में ह्यूमंस जो है ना वो फिर वेल से बात कर पाएंगे। कभी सोचा था आपने ऐसा हो सकता है? कभी सोचा था? आई मीन वेल्स की लैंग्वेज को अगर AI डिकोड, कितना कूल हो जाएगा यार। इमेजिन करो कि अगर दोस्तों हमारे जो पेट्स होते हैं घर पे, अगर हम उनकी लैंग्वेज डिकोड कर पाए और अगर हम बात कर पाए अपने पेट से, उससे ज़्यादा कूल क्या हो सकता है यार। आई मीन देखो AI है, क्या पता कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में वैसे अभी बीट्स फिट प्रो आ गए हैं स्पेशल ऑडियो के साथ में, और यहाँ पर दोस्तों ANC का सपोर्ट भी है, और जो कीमत है वो है $199.99, और 4 नवंबर से दोस्तों US में अवेलेबल होंगे, उसके बाद में बाकी जगहों बाद में जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिटनेस वाले WS वाले ईयरफोन्स हैं बीट्स की तरफ से, जो कि एप्पल ने साइलेंटली लॉन्च कर दिया है। हमारे पास में अभी व्हाट्सएप ने इंडिया में भैया टोटल सेप्टेम्बर के महीने में 2.2 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया है, मतलब दोस्तों कुछ 22,09,000 अकाउंट्स को बैन कर दिया है। बहुत बड़ा नंबर है भाई ये। और कुछ 309 जो है दोस्तों इनको बैन अपील्स मिली हैं यूजर्स की तरफ से। तो व्हाट्सएप जो है वो एकदम ऐसा डंडा लेके तैयार बैठा है, बस जो सामने आया है वो, अगर आपने कुछ भी राइट लेफ्ट किया रूल वगैरह के चक्कर में, तो मतलब सोचो 22 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया गया है सिर्फ एक महीने में। बड़ा नंबर है ये। हमारे पास में वैसे यहाँ पे अभी फेसबुक के दूसरे विसल ब्लोअर है ना, उन्होंने अभी CEO जो है जुकरबर्ग साहब उनको बोला है कि भैया प्लीज स्टेप डाउन। तो मतलब अभी जो बहुत पूरा कांड चल रहा है फेसबुक का दोस्तों, आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें लीक वगैरह भी हो गई थी, मतलब पीछे मेटा घुसा दिया है, सारे काम कर दिए हैं, लेकिन रेपुटेशन जो है वो इतनी सही रही नहीं है प्राइवेसी वगैरह को लेकर और बाकी और इंटेंशंस को लेकर फेसबुक की। लेट्स सी केयर फ्यूचर में क्या होता है। हमारे पास में अभी यहाँ पे वैसे PUBG 2 जो है वो लगता है उसको क्राफ्टर उसके ऊपर काम कर रहा है, और 2022 में हम देख पाएंगे PUBG का सीक्वल, PUBG 2, PUBG द्वितीय, PUBG दूसरे चरण वाला जो दोस्तों गेम है ये, सेकेंड जो है पूरा का पूरा PUBG 2, ये शायद हम देख पाएंगे बहुत जल्दी 2022 में। और अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं फिर कितना ज़्यादा जो है वो अंदर से खुशी 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 निकल के आने वाली है, और फिर बोलोगे अभी मज़ा आएगा ना भीड़ू। तो अभी देखते हैं ऐसे कि 2022 में ये काम क्राफ्टन कब तक कर पाता है। हमारे पास में अभी सैमसंग गलेक्सी S21 FE के भैया बैक पैनल्स दोबारा लीक हो गए हैं, लगता है कि 4 अलग अलग कलर्स में आने वाला है। बाकी अगेन लेट सी आता है नहीं आता है कब आता है, बिकॉज लटका रखा है यार S21 FE ने, मतलब इतना लेट हो गया, अब तो कम से कम आ ही जाओ। बाय द वे दोस्तों यहाँ पे भी जो रेडमी नोट 11 5G है ना, वो इंडिया में रेडमी नोट 11T 5G के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। सेम फोन रेडमी नोट 11T, टी डालने का क्या मतलब है, मतलब टी में एक्स्ट्रा तुम क्या कर रहे हो? बट पता नहीं यार, ये जो है वो चीज़ हमेशा रहती है, जस्ट टू काइंड ऑफ यू नो डू सम दिस मार्केटिंग थिंग, कुछ एक नाम चेंज कर दो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, आई लगा दो उसका, कुछ कुछ ना कुछ कर दो बस, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि हाँ इंडिया के लिए बनाया है हमने, ये ऐसा जरूर होता है। बट अभी एनीवेज देखते हैं कि ये जो रेडमी नोट 11 सीरीज है ये इंडिया में किस नाम से कैसे कैसे करके शाओमी लॉन्च करता है, किस कीमत के साथ में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।